दामोह में शासकीय दिव्यांग जन छात्रावास में बच्ची के साथ हुई शर्मसार घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाली मासूम को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा आगे आया है। महासभा प्रमुख एडवोकेट वैभव सिंह और प्रियंका देवी ने एसपी से मासूम को न्याय दिलाने की मांग की है। जी, मैं प्रियंका देवी, एडवोकेट हूँ, मैं जबलपुर से आई हूँ। अभी दमोह में एक विगत घटना हुई है नाबालिग बालिका के साथ, और वो दिव्यांग भी है और मूक बाधिर भी हमको पता चला है, और उसके साथ बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। उसका विरोध करने के लिए हम एसपी को एक आवेदन देने के लिए आए थे दमोह आज, और जो भी ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इस विषय को लेकर सभी को सचेत होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वहीं ओबीसी महासभा के मुखिया वैभव सिंह बच्ची के साथ हुई घटना से काफी आहत हैं। उन्होंने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को भी आड़े हाथों लिया है। जानेंगे वैभव जी, कैसे आना हुआ आपका? दमोह में जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, उसको लेकर हम लोग एसपी महोदय से मिले और उन्होंने इस पे विधि सम्मत कार्रवाई करने का पूर्ण आश्वासन दिया। एक शासकीय छात्रावास में जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो भी एक दिव्यांग और मासूम जिसकी उम्र महज 10 साल है। हाँ, उसकी उम्र 9 साल है मुझे जानकारी में है। शासकीय देखिए, शासन तो एसटी एससी ओबीसी के साथ है ही नहीं, इस बात को आप बिल्कुल समझ लें। हम 5 साल से निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं कि इन वर्गों की संपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये सबका देश है, मेरा देश है, आपका देश है, यहाँ जो भी नागरिक है सबका देश है। अधिकार नहीं दे रहे हैं। वो एक कानून वो है, इसका प्रियंका कानून, वो बाल आयोग का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विदिशा के रहने वाले हैं। सड़ी सड़ी बात पे अभी को धर्मांतरण का कोई विषय था, उस पर 2-3 बार दमो घूम गए तुम, और इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। बलात्कार घटना का आरोपी आ गया सामने, आरोप है दिव्यांग बच्ची है। तुम्हारे घर में बच्ची नहीं है क्या? मेरे घर में? किसके घर में बच्ची नहीं है मुझे बता दो भैया, किसके घर में बच्ची नहीं? सारे संगठन चुप बैठे हैं। ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग की बच्ची, हम लोग तो सवर्ण वर्ग की बच्चियों के साथ भी कहीं भगवान करे ऐसी घटना ना हो, पर होती है तो हम लोग सामने आते हैं। जो ये हिंदूवादी संगठन टैग लगाए घूम रहे हैं, वो आरएसएस बीजेपी से संचालित हैं सब। अगर सवर्ण वर्ग के साथ कुछ होगा तो चिल्लाने बैठ जाएंगे, हिंदुओं के साथ हो गया, हिंदुओं के साथ हो गया, और पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के साथ होगा, इनको फुर्सत नहीं है। दोहरा मापदंड, देश को भी इसी मापदंड से चला रहे हैं, और अब ये नहीं चलने वाला है। आपको विधि सम्मत अधिकार देना पड़ेंगे सभी वर्गों के, और हम लोग ओबीसी महासभा हर स्तर पर गुंडागर्दी का विरोध करेंगे, इस प्रकार के सारे अत्याचारों का विरोध करेंगे। ये हम लोग प्रदेश छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भी दुर्घटना इस प्रकार की होती है, हमारा संगठन हमेशा खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में हुई, दिल्ली में हुई, हमारे हरियाणा में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, तो खड़े हैं हम, तो लड़ेंगे अपने लोगों के लिए और छोड़ेंगे नहीं। क्या आश्वासन मिला दमोह एसपी से? दमोह एसपी ने बोला है कि हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होगी, अगर हमको लगेगा आप न्याय नहीं दे रहे, दिलवा पा रहे हैं, तो हम पूरा दमोह घेरेंगे, कलेक्ट्रेट घेरेंगे, आपका एसपी ऑफिस घेरेंगे, उसका जो होगा परिणाम देखा जाएगा। बिल्कुल जी, जिस तरीके से देखा है कि हमारे बुंदेलखंड और खासकर दमोह अगर जिले की बात करें, तो ऐसे कई राजनीतिक नुमाइंदे हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जब उनकी बेटे बेटियों के साथ इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, तो ये इतने बड़े पदों पर रहने वाले राजनेता, इस पर चिंतन मनन हम लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरा दमोह जाम कर देंगे। मैं पूर्व में बोल चुका हूँ आपसे, ओबीसी 68% ओबीसी को आप कमजोर मत समझिए। जो जाति देश के लिए लड़ सकती है, वह अपनी बच्ची के लिए भी लड़ सकती है। बड़ा स्पष्ट है ये बात, हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज। हम अपनी बच्ची की अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं होगा। हम अपनी बच्ची की रक्षा के लिए लड़ेंगे, खून जाएगा जाने देंगे, पर हम अपने बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को, सभी वर्गों की, ऐसा नहीं कि कोई लोधी अकेला, सभी सभी के लिए लड़ने की क्षमता रखते हैं।
इसलिए नहीं देश आजाद कराया, इसलिए नहीं खून में हमारे पूर्वजों का खून मिला हुआ इस मिट्टी में, इसलिए मिला है कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो ये थे वैभव जी, जिस तरीके से साफ गोई से कहा है कि किस तरीके से सरकार और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि अभी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधी हुई। खैर, कुल मिलाकर कहें तो ओबीसी महासभा और शहर दमोह का एक एक बच्चा इस घटना से आहत है और गम और गुस्से में है। अब देखना होगा कि बच्ची को न्याय कब तक मिल पाता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।